पार्टी के प्रत्याशी भाई दलजीत तालुका यहाँ पहुँचने पे आपने जो स्वागत किया है, आप जो मान सम्मान दे रहे हैं इतने काम के टाइम में, इतनी गर्मी के टाइम में, तो जितना मैं आपका गुणगान करूं उतना कम होगा। आपसे आपके बीच में किसान परिवार में जन्मे इतने सिंपल ईमानदार नेता नहीं, आपके बेटे और आपके भाई दलजीत तालू जिन्होंने आम आदमी पार्टी ने विश्वास करके तुसाओं विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में उनको टिकट दी है, तो उनका मान सम्मान आप रखें और आने वाली 5 तारीख को झाड़ू के वोट पे एक एक वोट इनको देकर विजय बनाएं और चंडीगढ़ भेजने का काम करें, ताकि हमारी माताएं बहनें जितने बुजुर्ग हैं उनका जो भी काम हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, गलियों का, नालियों का, हॉस्पिटलों का, आम आदमी पार्टी कर सके। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही बोलूंगा कि बागड़ बिल्लों की जो सरकार आज तक 70 साल 75 साल आपने देखी है, उनसे बच करके सिर्फ अपने लिए एक बार वोट हमारे दलजीत भाई आम आदमी पार्टी को देकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। धन्यवाद। एक बार जोर से ताला लगा दीजिए आम आदमी। मेरी तरफ से राम राम। आम आदमी पार्टी ने भाई दलजीत तालू पर विश्वास और भरोसा जिताया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर आपने दिल्ली और पंजाब में दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहले दिल्ली में थी, अब पंजाब में। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो 40,000 पद की सरकारी नौकरियां दी और जो कच्चे कर्मचारी थे वह पक्के किए, और माता और बहनों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, और बहनों के लिए 1,000 रुपए महीना, और शिक्षा की बात आए तो गरीब बच्चों की शिक्षा इतनी बेहतर कर दी, जो अपने सरकारी स्कूल है इतने बेहतर बना दिए, इतने बढ़िया बना दिए कि एक बेंच के ऊपर एक डॉक्टर का बेटा, एक वकील का बेटा और एक अपने मजदूरी करने वाले का बेटा एक बेंच पे बैठ के पढ़ा दिए, वह काम अरविंद केजरीवाल ने किए। तो बाकी मैं ज्यादा न बोलते हुए, समय का अभाव है, मैं भाई दलजीत सिंह तालू से पुनः वो करूंगा, अपील करूंगा कि अपने विचार रखें। दलजीत तालू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेरा यहाँ मान सम्मान किया उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, और इन भाइयों ने भी बताया कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आज से 10 साल पहले इस पार्टी का गठन हुआ, और 10 साल के दौरान दो राज्यों में सरकार होना और गुजरात जैसे स्टेट में 5 सीट आना, 13% वोट आना, राष्ट्रीय पार्टी बनना, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम करके दिखाए जो गरीब से गरीब की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का काम किया, तभी तो इतना जल्दी ऐसा हो पाया। अरविंद केजरीवाल जी से तो मोदी जी भी डरते हैं, झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिए। पता होगा सब ने, मोदी जी को रात ने भी केजरीवाल दिखे है, अगर यो बच गया ना तो तेरी सरकार नहीं होगी राष्ट्र का है, क्योंकि मोदी तो झूठे वादे कर रहे हैं, 15-15 लाख खाते में आओगे, 100-100 रुपये खाते खुलाए हुआ दिखा गया, 15 तो आने दूर की बात थी, आया ओ यो तो बढ़िया है। नहीं माता जी, बढ़िया बात है, ओ माता जी, वो खेत का मुआवजा आया है, समझे इस बात ने, वो मोदी ने वो नहीं दिए। माता जी, आपके लिए केजरीवाल ने दिल्ली में किराया फ्री कर रखा है,